धनबाद के झामुमो नेता सह बड़े फर्नीचर कारोबारी के बेटे पर बहू ने लगाए मारपीट का आरोप। उड़ीसा पुलिस पहुंची, हुआ हंगामा। बता दें धनबाद के झामुमो नेता एवं बड़े फर्नीचर कारोबारी राजेश जलान के गोविंदपुर लाल बंगला स्थित आवास पर देर रात उड़ीसा पुलिस स्थानीय थाने के पुलिस के साथ पहुंची, जहां दहेज में दिए गए सामान की रिकवरी को लेकर दोनों परिवार के बीच काफी हंगामा भी हुआ। वहीं मीडिया कर्मियों को काम करने से भी रोका गया। बता दें राजेश जालान और उनके बेटे पर बहू श्रद्धा केडिया के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। इसको लेकर गोवा में 0 FIR दर्ज किया गया था। बाद में झारसुगुड़ा थाने में प्राथमिकी हुई। श्रद्धा केडिया के चाचा विनोद केडिया ने बताया कि 2 दिसंबर 2022 को भतीजी की शादी राजेश के बेटे संयम जालान के साथ हुई थी। शादी के बाद से बेटी को प्रताड़ित किया जाने लगा। 17 जनवरी को जालान परिवार बेटी को लेकर शादी समारोह में शामिल लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि गोवा में परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट करने के साथ जान मारने की कोशिश की गई। उनके बेटे से तो उनके बेटे से शादी हुआ था दिसंबर 2 तारीख के आसपास। इसी दिसंबर? हाँ, नहीं, एक साल हो जाएगा दिसंबर 2023 में। तो उसके बाद करते वो लड़का इसको मारा पीटी करता था। तो 4 महीना बाद करते लड़की करते वापिस आ गए थे घर। उसके बाद ये लोग जाके रिक्वेस्ट किए कि और आगे से ऐसा लड़का नहीं करेगा। फिर उसके बाद लड़की के 2 महीना रहने के बाद फिर वापिस आ गए। उसके बाद ऐसा लगा कि करते अब ये ठीक से ढंग से रहेंगे। उसके बाद अभी ये लोग लास्ट टाइम गोवा गए थे शादी में, माँ बेटा और ये बहू तीनों जन। वहाँ गोवा में ऐसा मारा है, उसकी फ़ोटो आप लोग को मैं देता हूँ। वो वहाँ गोवा में भी थाना में FIR हुआ है, माँ भी साथ में थी, लेकिन माँ का भी कोई स्टेटमेंट नहीं था। अच्छा, वहाँ महिला आयोग ने कल तक केस कराया, केस हुआ। उसके बाद वो बेटी को हमने कल तक अपने महिला आयोग ने कल तक झारसुगुड़ा हमारे यहाँ ऑफिस भेज दिया। हाँ, उसके बाद कहते ये लोग बोलते थे 500 करोड़ का आदमी हम लोग खरीद लेंगे सबको। इनका स्टेटमेंट नहीं था, थाना पुलिस कुछ नहीं होगा, सब हम खरीद लेंगे। ठीक है भाई, आपकी ताकत जो है करिए। उसके बाद लास्ट ये हुआ, हमने झारसुगुड़ा पुलिस को केस फाइल किया। फिर उनके पुलिस के द्वारा हम लोग आए हमारे माल को रिकवरी करने के लिए, जो दहेज में आप लोगों ने दिया, जो दहेज में दिया था कुछ ज्वेलरी वगैरह था और कपड़े लगते थे, 11 कार्टून थे और कुछ कुछ सामान था जो हमने लिस्ट बना के दिया। और लिस्ट का सामान इन लोगों ने दिया गया। उस बीच में रह गया अभी लास्ट समय, ये 15 दिन पहले वो राजेश जलन को झारसुगुड़ा पुलिस ने बुलाया था। और राजेश जलन वहाँ जाके लिख के आया था कि मैं जो सामान है मैं दे दूँगा। उनका भी कुछ सामान हमारे पास है, वो वहाँ की पुलिस ने रिकवरी किया है, वो भी उनको दे दिया जाएगा। अभी लास्ट अभी सब कुछ ठीक चल रहा था। वो लड़के को सिग्नेचर करने के लिए जो केस दिया जाता है, वो लड़के को सिग्नेचर देने बोले, लड़के का तो ऑटो स्टेशन है नहीं है, ये है वो है, 2 घंटा बाद आएगा, मैं होटल में आकर साइन करा लूँगा। उसको छुपाया जा रहा था दामाद को। उसको अरेस्ट कर लेंगे? हाँ, नहीं अरेस्ट कर लेंगे वो नहीं, वो ये निकलता है सब मीडिया के किसी के सामने नहीं। आप लोग मीडिया लोग का जितना भीड़ लगा उसको तो डर गया, वो मीडिया से ऐसा, वो मीडिया को भगाने के लिए 10 आदमी आप लोग देखे होंगे, 10 आदमी रोका गया था कि भगाए, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, भैया रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसको मना किए। इसी प्रकार मीडिया का हेल्प और गोविंदपुर पुलिस का हेल्प के चक्कर में हमारा माल रिकवरी हो गया। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग ने आगे करते, वहाँ नहीं वीडियोग्राफी कर सके आप लोग किसी कारण से, लेकिन यहाँ पर भी आके आप लोग ने किया, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। सर एक चीज़ बताइए, जो अब क्या मतलब पति पत्नी दोनों अलग हो जाएंगे? नहीं, अलग हो चुके हैं पहले, हो चुके हैं, कोर्ट से अलग नहीं हुए, अभी वो कार्रवाई चलेगी। अभी रिकवरी हुआ है, उसके बाद इनको कल नोटिस दिया गया, ये आएंगे झारसुगुड़ा में आएंगे दोनों बाप बेटा, उसके बाद जो आगे कार्रवाई होगा। अभी जो मारपीट की वजह क्या थी, कुछ बताया उन लोगों ने? नहीं नहीं, भाई जैसा हमारी गलत भतीजी का कहना था, उस वो अपनी माँ को भी मारता है, मेंटल टाइप का है। हाँ, मेंटल प्रॉब्लम ही है वो, लेकिन लोग बोलते कुछ नहीं है, बोलते लड़की गाली देती है, ये देती है, लड़की गाली देगी उसका आपको फोटो देता हूँ, गोवा में जो मारा गया है वो फोटो देखेंगे तो आप लोग अच्छे से हो जाओगे। वहाँ की जो महिला आयोग ने, वहाँ के पेपर में निकला है, मीडिया में निकला है, सब कुछ निकला है। अभी ये लोग बोलते हैं कल यहाँ बेटा बेटी का इज्जत तो क्यों उछाल रहे, क्यों मीडिया को बुला रहे? मतलब हमने कोई मीडिया नहीं बुलाया, मीडिया अपने आप आई है मीडिया को पता करके। ठीक है, आपका क्या नाम है? विनोद कुमार केडिया है, झारसुगुड़ा।